चतुष्टय के बारे में सर दोबारा से आपने बताना शुरू किया था। हाँ, अनुबंध चतुष्टय तो अनुबंध चतुष्टय को अब हम प्रैक्टिकली देखते हैं। सर पहले आपने जो है अनुबंध चतुष्टय की आउटर समरी दी थी, फिर आप जो है बारीकी से आप बिल्कुल जो है मतलब आपने जो है हाँ, अनुबंध चतुष्टय की अब हम साधना करते हैं। आंखें बंद, जो भी क्रिया हम कर रहे हैं, जो भी स्टेप्स ले रहे हैं, उसमें गोल दो ही हैं। एक तो गोल है एंड ऑफ सफरिंग और दूसरा गोल है अवेकनिंग टू इनर पीस एंड हैप्पीनेस। दो ही गोल हैं और कुछ गोल नहीं है, दो ही गोल है। तो सफरिंग किसके कारण होती है? अज्ञानता के कारण। अज्ञानता क्या लाती है? असत्य, यानी फॉल्सहुड, मिथ्या लाती है। और मिथ्या क्या है? जो हमें दिखाई देती है अज्ञान में और दूर हो जाती है ज्ञान। देखो जो तो दिखाई देती है, अब जो जो भी चीजें दिखाई देंगी वो अज्ञान में दिखाई दे रही है, और ये तो दिखाई देना बंद कब हो जाता है? जबकि ज्ञान आ जाता है। बचता क्या? बचता केवल सत्य है, हमारा स्वभाव, यही साधना का मूल है। तो अब गहराई से प्रवेश करते हैं, आंखें बंद हैं, सिर और गर्दन को देखें, दिखाई दे रहा है इसलिए देख, मैं कह रहा हूं देखें, अब मन से दिखाई दे रहा है, चाहे वो इंद्रियों से दिखाई दे चाहे मन से दिखाई दे, दिखाई दे रहा है अविद्या में, अज्ञानता में, और दूर हो जाएगा ज्ञान। तो दो तीन तल हैं इसके। कंधों को देखा हमने, दिखाई दे रहा है, कंधों का अनुभव किया, अब अनुभव में क्या आया? सेंसेशन भी आई, कंफर्टेबल भी आया, स्टेडीनेस भी आया, ये भी तो दिखाई दे रहा, अनुभव जो है वो दिखाई दे रहा। तो हम शुरुआत करते हैं देखने से, सजगता के साथ और अनुभव से, चाहे इंद्रियों से दिखाई दे चाहे मन से दिखाई दे चाहे मन से अनुभव, वो एक ही बात है। आप कमर को देखें तो मैं देखना भी कह सकता हूं, अनुभव भी कह सकता हूं, एक ही बात, अनुभव। तो अनुभव और देखना कब घटता है? जब सजगता हो। तो हम सजग हैं, तो पूरे शरीर को हमने देख लिया, पूरे शरीर को देखा सिर से पैर तक, दिखाई दे रहा है, बस ये याद रखना है दिखाई जो दे रहा है वो अज्ञान में दिखाई दे रहा है, और ये कब खत्म हो जाएगा? ज्ञान में। तो ज्ञान में क्या रह जाएगा? खाली जो देखने वाला है। देखो ये समझना है, जो दिखाई दे रहा है अगर मन वहीं पर टिक जाए, बना रहे कुछ देर,
ध्यान देना, जो दिखाई दे रहा है, किसी एक चीज जो दिखाई दे रही है, मन बार बार वहीं पर जाए तो फिर क्या होता है, दिखाई देने वाला और देखने वाले दोनों एक हो जाते हैं। बड़ी पते की बात हमारे गुरुओं ने कही है। चलो हम ऐसा देखते हैं कि होता है या नहीं होता और किस चीज से होता है। श्वास को देखें, सांस को देख रहे हैं, देख रहे हैं, दिखाई क्या दे रहा है, सांस। तो मैं आपके मन को लगाने के लिए मैं क्या कह देता हूं, सांस को देखें, अंदर और बाहर जाती सांस को देखें, ये भी सांस को ही देखना हुआ। सांस अंदर जाते समय संवेदनाओं का अनुभव हो रहा है, बाहर आते समय संवेदनाओं का अनुभव हो रहा है, उसको देखें। श्वास की दिशा और गति को बदलना नहीं है, हमें खाली देखना, बदलना नहीं है। तो तीनों बिंदुओं को देखो, तीनों बिंदुओं को देखें। ध्यान दें, अभी हमारी प्रक्रिया चल रही है, जो दिखाई दे रहा है बस हम मन को कह रहे हैं कि तू देखता रहे, तो मन क्या करेगा, मन के पीछे जो देखने वाला है वो बाहर आ जाएगा और दिखाई देने वाले ये दोनों एक हो जाएंगे, देखते रहें। किस अवस्था में, जबकि शरीर में संवेदना है, कंफर्टेबल है और अचंचलता है, देखना, दिखाई देने वाला। दिखाई बहुत सारी चीजें देती हैं, पर अभी हम मात्र श्वास को देख रहे हैं। तो मन श्वास को देखने में लगा रहे तो हम श्वास को गहराई से देखते हैं, और जब गहराई से देखते हैं तो हमें बहुत चीजें श्वास के अंदर ही दिखाई देती हैं। एक तो श्वास दिखाई दी कि अंदर गई बाहर आई, ठीक है। दूसरी बात,
सांस के अंदर जाते समय और बाहर आते समय संवेदनाओं का अनुभव हुआ। तीसरी बात, हम यह भी देख रहे हैं कि श्वास की दिशा और गति को बदलना नहीं है। हम श्वास के दो एस्पेक्ट्स को देख रहे हैं, एक श्वास का अंदर जाना और एक बाहर आना। तो जरा चार में घुसते हैं कि अंदर जाती है, जाने के बाद बाहर कौन लाता है? क्या उसके बीच में कोई पॉज है, कोई इंटरवल है? सांस बाहर आई, फिर अंदर जाने के लिए, अंदर जाने से पहले क्या कोई पॉज है, इंटरवल है? यह देखना है। छोटी सी बात है, अनुबंध, हम साधक हैं, हमारा गोल क्लियर है और हमें पता है कि हम क्या कर रहे हैं, हम ध्यान में जा रहे हैं। सब्जेक्ट मैटर क्या है हमारा, कि हमें पता लगाना है, खोज करनी है कि मैं कौन हूं। कहीं पीछे से हमें शांति स्थिरता का अनुभव होने लगता है, अरे ऐसा कैसे हो रहा है, उसकी खोज हम कर रहे हैं। चलिए अब हम श्वास को छोड़ देते हैं, कुछ नहीं करें, फिर देखें कि दिखाई दे रहा है, कभी शरीर दिखाई देगा। यानी दिखाई देने का मतलब कि जो दिखाई दे रहा है, जो मन में है और जो अनुभव भी हो रहा है, शांति का अनुभव ये भी दिखाई दे रहा है, स्थिरता का अनुभव ये भी है। तो कभी मन भागता है शरीर पर, कभी श्वास पर, कभी विचार पर, कभी पास्ट में, कभी फ्यूचर में। तो अगर हम मन को दिखाई देने वाली एक ही वस्तु पर लगा दें तो दिखाई देने वाला और देखने वाले दोनों एक हो जाते, देखने वाला नहीं रहता। चलो फिर हम प्रयोग करते हैं। तो सिर के अंदर देखें, आकाश है, कुछ नहीं है। जब मैं नहीं बोलता तब देखें कि मौन है, साइलेंस है, और उसके बाद उस साइलेंस को तोड़ना है। कैसे? ओम नमः शिवाय, मन में। तो साइलेंस टूट गया, फिर उसके ओम नमः शिवाय के बाद फिर साइलेंस को पहले देखना है। देखा हमने, फिर मन में कह दिया ओम नमः शिवाय। हम क्या कर रहे हैं? दिखाई देने वाला है, हम दो चीजें दिखाई दे रही हैं, एक तो साइलेंस और एक ओम नमः शिवाय। अपने मन में कहते रहो। और इस स्टेप में हम चेक कर सकते हैं कि हम वास्तव में गहरे जा रहे हैं ध्यान में या वापस आ रहे हैं। कैसे? शरीर का पता ही नहीं चलेगा, भूल जाएगा, डूब जाएंगे हम, जिसको कहते हैं ना डूब जाना, डूब जाएंगे। देखो तो शरीर अपना पड़ा हुआ है, जैसे है वैसे है, कोई चिंता नहीं, स्थिरता है, स्थिरता है, कोई चक्कर नहीं।
हम तो खाली दो चीजों को देख रहे हैं, एक तो साइलेंस और एक ओम नमः शिवाय। आगे पीछे कुछ नहीं, साइलेंस और ओम नमः शिवाय। तो हमारा मन कहाँ है? दो ही चीजों पर, साइलेंस और ओम नमः शिवाय पर। अब ये दिखाई देने वाला और देखने वाला दोनों मिल जाएं, तो हम दिखाई जो दे रहा है मन को उसके अंदर गहराई से ले जाएंगे। अभी यही चलता रहे। क्योंकि हमने अनुबंध चतुष्टय को अच्छी तरह से समझा है, क्लैरिटी है, तो क्लैरिटी होने के बाद एक्शन यानी ध्यान की प्रक्रिया में भी हमें सफल हो जाना चाहिए।
अब और गहराई से समझ आएगा, क्योंकि जो दिखाई दे रहा है हमने मन को और उसमें गहराई से लगाना है। तो साइलेंस देखा, जैसे ओम नमः शिवाय कहा, एकदम उस साइलेंस में भगवान शिव को देखा कहते हुए। और साइलेंस में कुछ नहीं है, ना मंत्र है ना इमेज है। देखो ओम नमः शिवाय, जब तक हमने ये कहा तभी शिव भगवान शिव की मन को लगा रहे हैं। लगाने का क्या मतलब है, जो दिखाई देने वाला है और देखने वाला है, ये दोनों एक हो जाए। शरीर अपने आप ही बना हुआ है, वहां पर हमें पता है, पर मन वहां नहीं लगा रहे। हमें अनुभव है पर हम वहां नहीं लगा रहे। साइलेंस और मौन, उसके बाद शिव की मूर्ति, हमें पता है शिव कैसे हैं। मूर्ति को देखना और देखते हुए ओम नमः शिवाय, बड़ी गहरी प्रक्रिया है ये, बहुत गहरी। पर गहरी तब होगी जब समझ के साथ हम करेंगे, नहीं तो बस कुछ नहीं है, नहीं तो हाँ ठीक है, जैसे दूसरी प्रैक्टिस है वैसी है। समझ विवेक अनुबंध चतुष्टय के साथ आता है, विवेक। देखो ये समझना है, ये समझ अगर एक बार आ गई तो जब भी हम ध्यान करेंगे तभी यह अवस्था आ जाएगी। कौन सी अवस्था, अरे डूबने की अवस्था और कौन सी अवस्था, अच्छा डूब जाएंगे। हाँ क्या मतलब हुआ डूबने का, कि दिखाई देने वाला और देखने वाला ये दोनों एक हो। ये समझना है,
अब एक चीज और जोड़ देनी है। कौन सी चीज? जब साइलेंस हम देखते हैं तो वहां पर शिव को ही देखना है। सांस सांस का कुछ प्रयोग ही नहीं है। हमने क्या किया? साइलेंस जैसे ही देखा उसके अंदर हमने शिव को लगा दिया। उसके बाद फिर हमने ओम नमः शिवाय बोला तो शिव के साथ। तो पहले भी शिव साइलेंस में और बोलते समय भी, आगे भी पीछे भी, ये बात हुई। ये क्या करेगा? एकदम दिखाई जो देने वाला है और जो देखने वाला है वो एक हो जाएंगे, और एक हो गए तो गए, हम आगे बढ़े। तो साधना के सूत्र को बड़ी गहराई से साधारण भाषा में समझना है, तब जाके बात बनती है। प्रभु जी, शरीर के प्रति सजगता है तो ठीक है, बनी रहना चलेगा।
और अब कुछ नहीं करना है। फिर वापस जो दिखाई दे रहा है ठीक है, शांति शांति शांति। शांति शांति शांति। शांति शांति शांति। अपने मन को दाएं हाथ पर ले आएं, बाएं हाथ पर ले आएं, दोनों हथेलियों को उठाते हुए अपनी आंखों पर ले आएं, आंखें अंदर ही खोलिए, अनुभव करें। और अब हाथ नीचे।